So girls, the next topic is classification of carbocation and the order of stability. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम बोलते हैं कार्बोकेटाइन. सो इस कार्बोकेटाइन को हम क्या बोलेंगे, दिस वन इज CH3. CH3 पॉजिटिव मीन्स मिथाइल केटाइन, ठीक है. और अब हमने क्या करना है, यहाँ से कोई भी एक एच में CH3 के साथ रिप्लेस कर दूंगी, तो ये क्या बन जाएगा, अब इसमें एक ही कार्बन था, इसमें दो कार्बन हो गए प्लस पॉजिटिव, तो दो कार्बन हो गए मतलब इथाइल केटाइन. देन अब दूसरा जो एच है उसको भी मैं रिप्लेस कर दूंगी CH के साथ, तो कार्बन कितने हो गए, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेज हो गए, तो उसके कारण इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज आइसोप्रोपाइल केटाइन. इसको बोलते हैं, इस ग्रुप को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल. एंड देन द फोर्थ वन इज चार के चार जब रिप्लेस हो जाएं CH3 के साथ, हाइड्रोजन जो है हमने रिप्लेस कर दिए विद द CH3, तो ये हमारे पास आ गया 1, 2, 3, 4 कार्बन हो गए. सो इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल केटाइन. सो सिंपली अगर मैं इसको बोलूँ ना, इसको बोल देते हैं प्राइमरी, इसको बोल देते हैं सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एंड इसको बोल देते हैं टर्शरी कार्बोकेटाइन. अब हमने बताना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोकेटाइन में जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है वो क्या है. सो मैं आपको बता दूँ, जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, विच इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी एंड देन मिथाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है. अब जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल क्यों होता है, दिस वन इज टर्शरी कार्बोकेटाइन, आर मीन्स सारे के सारे क्या हैं CH3 ग्रुप हैं, दिस वन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी. सेकेंडरी में दो आर ग्रुप आ जाएंगे, ठीक है, और प्राइमरी में क्या आ जाएंगे, एक ही आर ग्रुप आएगा. सो इसकी स्टेबिलिटी को आप एक्सप्लेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. अब देखो ना, इन तीनों का इंडक्टिव इफेक्ट, अब आपको पता है एल्काइल ग्रुप क्या होता है, पॉजिटिव आई इफेक्ट होता है एल्काइल ग्रुप के ऊपर, ठीक है. पॉजिटिव आई इफेक्ट के कारण क्या होगा, जो अपने इलेक्ट्रॉन किसको, इस कार्बोकेटाइन को दे देगा. सो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि जो एल्काइल ग्रुप है ना वो क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है. एल्काइल ग्रुप आर मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग देन द हाइड्रोजन, ठीक है. उससे क्या हो जाएगा, जो एल्काइल ग्रुप है ना अटैच टू द पॉजिटिव चार्ज कार्बन ऑफ द कार्बोकेटाइन टेंड्स टू रिलीज इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द कार्बन, ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे थ्रू प्लस आई इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट. सो उससे क्या हो जाएगा, द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बोकेटाइन गेट्स डिस्पर्स्ड हो जाएगा. तो डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, जितना ज़्यादा उसमें से पॉजिटिव चार्ज जितनी जल्दी डिस्पर्स हो जाएगा ना, उतनी जल्दी वो कार्बोकेटाइन क्या होगा, स्टेबल होगा. सो इसमें आप देखो ना, तीन एल्काइल ग्रुप हैं, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज जल्दी क्या होगा, डिस्पर्स हो जाएगा. सो मैक्सिमम डिस्पर्सल इसमें होगी. सो टर्शरी कार्बोकेटाइन में क्या होगा, मैक्सिमम डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और जितना डिस्पर्सल ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा उसकी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी हो जाएगी. सो इसी के कारण जो टर्शरी कार्बोकेटाइन वो ज़्यादा जो स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, विच इज़ मोर स्टेबल टू एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी एंड मिथाइल कार्बोकेटाइन. अब मिथाइल कार्बोकेटाइन में देखो ना क्या है, इसके नेक्स्ट वाला कौन सा होता है, मिथाइल कार्बोकेटाइन, जिसके पास तीनों के पास क्या है, हाइड्रोजन है. अब हाइड्रोजन के पास तो कोई इंडक्टिव इफेक्ट है नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, लीस्ट डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल, ठीक है.